यहाँ पे पहले स्टॉल वगैरह लगते थे ना। चलो भाई काम हो गया हमारा, हमने झंडा हम लोगों ने सलवा लिया है भाई, अपना झंडा जो है वो प्रॉपर जो है वो लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हवा कम है तो वो लहरा जो है वो कम है, दीवार पे आके रुका था। अस्सलाम वालेकुम ख्वातिन, तो भाई कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सब लोग जो खैर से होंगे। एडवांस में आप लोग अभी से दो दिन पहले से जो है आप लोग को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक बात दे देते हैं। सीन ये है कि भाई 5:30 बज रहे हैं और अपना पुराना झंडा जो हमने पिछले साल लगाया था रिसेंट व्लॉग में, जो आपने 14 अगस्त का व्लॉग देखा था जो ये चल रहा है उसमें हमने वो झंडा लगाया था। तो सीन ये था कि भाई वो झंडा जो हमने एक दिन जब पहले लगाया था 13 अगस्त की शाम रात पर लगाया था, शाम में इसी टाइम असर के टाइम हो रहा था, मगरिब का टाइम हो रहा था इसी टाइम हम लोगों ने जो झंडा लगाया था 13 अगस्त को। तो जब वो 14 अगस्त अगर जब वो झंडा लगा झंडे पर लगा रहा ना तो वो सुराख हो गया, झंडा वहाँ लोहे वाला है तो उसमें सुराख हो गया, झंडा सारा था ना वो वहाँ नीचे आ गया, प्रोग्राम जो है वो सारा भर चुका था। खैर अभी का सीन ये, अभी जो उसी झंडे को जो है ना देखते हैं कि अगर वो झंडा सिल सकता है तो उसी को जो है ना फोल्ड करवा के सिलवा के ऊपर से डबल सिले लगा के वो पक्का हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो है ना वो लंबाई जो है ना उसकी कम हो जाएगी। उसके बाद ना फिर हम जो है ना झंडा लगाएंगे डंडे पे, उसमें ये सीन होगा कि भाई ना दीवार में लटकेगा ना आसपास जो है ना वो लिपटेगा डंडे, तो फटने के चांसेस जो है ना वो कम होंगे। तो लेट्स सी, 5:30 बज गए, झंडा अपना ढूंढते हैं अलमारी में कहाँ रखा है, कुछ नहीं पता, पूछते हैं वहाँ से कि झंडा कहाँ रखा है, अगर मिल जाता है तो उसको पहले सिलवाते हैं फिर आके लगाएंगे। अलमारी में रखा था मैंने झंडा जो है ना अपना, तो निकालते हैं अलमारी में से, अगर मिल जाता है तो भाई यहाँ देखो ये नज़र आ रहा है भाई झंडा अपना, ये रहा अपना झंडा। ठीक है भाई, अब झंडे को जो है ना वो निकालता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ जहाँ से जो है ना वो फटा हुआ हिस्सा था, जहाँ से जो है ना वो फट चुका था, तय करी हुई थी सारी जो है ना तय जो है ना ख़राब हो चुकी है। तो देखो ये हिस्सा जो है ना डंडे के अंदर आने के बाद जो है ये जो दो रस्सियाँ हैं इनसे जो है ना वो टाइट हो जाता है, ताकि जो है ना झंडा ऊपर ना निकले, झंडा ऊपर ना निकले और ना इसकी तय ख़राब हो, आप रस्सी बांध के जो है ना डंडे से टाइट कर लो, फिक्स कर लो। और जो इसका दूसरा हिस्सा है कोना जो फट गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो वाला हिस्सा कहाँ है वह भाई आ जा, वही वाला हिस्सा ये रहा। ठीक है जी, वही वाला हिस्सा फटा हुआ है, यहाँ से जो है वो सुराख उराख हो गया था, अब इसको जो है वो सिलवाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है फिर झंडा पहले सिलवाने चलते हैं, उसके बाद देखते हैं हम अगर शॉप वगैरह दिखा सके तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर झंडा सिलवा के फिर दिखाएंगे भाई हमने झंडा हम लोगों ने झंडा सिलवा लिया। ठीक है जी, और बाहर गुरु मंदिर पर PIP वगैरह में पूछ के भी आते हैं, इस दफ़ा जो है कम स्टॉल लगे, बारिश की वजह से एक आध स्टॉल लगे तो बाहर पूछ भी लेंगे कि हमारा जो झंडा है 10 फुट का 12 फुट का उसके रेट जो है ना वो क्या चल रहे हैं, 3000 चल रहे हैं, पिछले दफ़ा भी 3000 थे लेकिन कपड़ा ऐसा नहीं था, चांस इतना दिनों वो अलग कपड़ा बना के सिला हुआ था तो वो फिनिशिंग नहीं आई थी, हमारा जैसा कप जैसे हमारा जो प्रिंट हुआ है ना पूरा चांस इतना, देखो यहाँ पर सिलाई वगैरह कुछ नहीं हुई, तो अब तो ऐसा आते नहीं कि कपड़ा इतना महंगा है, सिलाई इतनी महंगी, तो इतना महंगा जो है ना वो कपड़ा पड़ जाता है, 3000 रुपये का झंडा पड़ जाता है। अभी चलते हैं देखते हैं क्या है। चलो भाई झंडा हम लोगों ने अपना निकाल लिया है, ठीक है अब इसको जो है ना सही करवाने जाते हैं, 3 नंबर अरसलान के पास जाते हैं या फैज़ान के पास, अब देखते हैं अरसलान के पास जाते हैं फैज़ान के पास, आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ खोल के कि भाई सुराग इसमें कैसा हुआ है, जो ऊपर वाला डंडे वाला हिस्सा है जहाँ पे झंडा अटक के फिक्स होता है वो वाला हिस्से में बिल्कुल सुराग हो गया और झंडा जो है वो नीचे आ गया था, पिछले साल भी मैंने दिखाया था आपको। अभी चलते हैं अरसलान के पास या फैज़ान के पास, उसके बाद देखते हैं, इसको बोलेंगे डबल सिलाई कर दे, इसको मोड़ के ना सिलाई कर ताकि छोटा हो जाए, लंबा होता है तो फिर फोल्ड हो जाता है डंडे के ऊपर तो फिर फट जाता है, डंडे से नोकीली चीज़ होती है तो उससे कोई फट जाता है, डबल सिलाई करवा देंगे ताकि जो फिर फिक्स हो जाए। चलते हैं इसको लेके देखते हैं वो क्या बोलता है, सीएगा अभी सीएगा या बाद में सीएगा। ऐसा क्लासिक हो रहा है बिल्कुल सुबह से, आज सुबह से जो ना ऐसा क्लासिक मौसम हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की सी। चलो भाई काम हो गया हमारा, हमने झंडा हम लोगों ने सलवा लिया है और आप लोग को दुकान वगैरह नहीं दिखाई हम लोगों ने क्योंकि वो जो ना अलाउ नहीं कर रहे थे, ये इस्लामा कॉलेज वाली पट्टी आ गई बिल्कुल जहाँ पर आप लोगों को दिखाया था हमने रात का सीन, देखो ये ग्रुप अंदर वाली पट्टी शुरू हो गई और सामने जो ना वो ग्रीन लाइन बस का पुल आ गया। ठीक है जी, अब इस दफ़ा जो है पिछले साल सब लाइन से जो है स्टॉल वगैरह लगे थे, ठेले लगे थे बड़े बड़े झंडे, इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक आध ठेले लगा हुआ है और उसमें भी जो है ना वो 2 झंडे 3 झंडे लगे हैं, उसमें भी जो है कपड़े वपड़े लगे हुए कुछ भी नहीं है, गलियों के अंदर लगाए हैं वहाँ लोगों ने। ये नया है ना, अब ये तो हमारा तो पुराना हो गया, असल कलर जो नया ना झंडे का कलर होता है वो यही होता है, यही होता है। नहीं अंकल नहीं उतारे, नहीं उतारे भाई, नहीं उतारे, नहीं उतारे, अब ये कलर साफ कलर है ना। हमने एक पुराना लगाया है एक नया लगाया है, यही देख रहे कि मिल तो जाए पहले। तो वो इस घर पे आ चुका हूँ झंडा सिलवा के, ठीक है जी अब छत पे चलते हैं और
छत पे चलते हैं और झंडा लगाते हैं, झंडा पहले साफ कर लेंगे उसके बाद। छत पे आ चुका हूँ मैं मुसलसल, जो ना आज सुबह से बारिश हो रही है, देखो सबकी दीवारें जो ना वो गिरी हो रही हैं। अबू जो ना वो पानी डाल रहे हैं, देखो कबूतरों को, पिंजरे पे तोतों वगैरह को पानी डाल रहे हैं। अबू बारिश बारिश हो रही है अबू सुबह से। देखो नीचे रुक गया धीरे, देखो छत पूरी जो ना गीली हो रही है। तुम लोग बोलो पानी डाल रहा, पानी नहीं डाला भाई, बारिश कभी हल्की हो रही है कभी तेज़ हो रही है। और ये हम लोगों ने दरी जो कारपेट जो रखा हुआ है पहले वाला ड्राइंग रूम का, ये इस वजह से रखा है क्योंकि गर्मी की तपीश जो है ना थोड़ी सी कम हो जाए। ये भी जो है ना गीला हो गया सारा, ठीक है। ये देखो ज़रा अब डंडा हमारा कहाँ है, डंडा डंडा हमारा जो ना वो ये रखा हुआ बिल्डिंग फुट का डंडा, आपको पता है हर साल लगाते हैं। तो 10 फुट का ये जॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। 10 फुट का ये डंडा है, 10 फुट का ये डंडा है। अब यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने क्लिप वगैरह भी लगाए हुए थे, अब हम क्या करेंगे ज़्यादा कुछ पंचायत वगैरह नहीं करेंगे, क्लिप लगे हुए हैं बस, यहाँ से क्लिप पर ठोक के ऊपर से डंडा सुराख में डाल के क्लिप में डाल के झंडा लगा के बस लटका देंगे। इससे ज़्यादा पंचायत नहीं करते, कील से ठोकेंगे ये सारी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है जी। बस डायरेक्ट झंडा लगाते हैं, उसके बाद जो ना भाई इसको ऊपर से डाल के लटका देंगे, फिर आपको दिखाएंगे पाक सर जमीन शाद बार। अपना झंडा जो है वो प्रॉपर जो है वो लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। हवा कम है तो इस वजह से ना वो लहरा जो है वो कम रहे, दीवार पे आके रुका हुआ क्योंकि हवा इतनी नहीं है। झंडा जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, हाइट जो है वो 10 फुट 12 फुट की है लेंथ इसकी जो है। देखो जब हवा चलती तो फिर माशाल्लाह ऐसे देखो पूरा लहराता है ऐसे। और इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ किसी ने भी जो है वो झंडा वगैरह नहीं लगाया, पिछली दफ़ा तो लगाया था, या तो एक दिन पहले लगाएंगे या दो दिन पहले लगाएंगे, कैसी नहीं कहनी। हमने भी पिछली दफ़ा जो है ना वो 13 अगस्त को ही लगाया था, ठीक है जी। 13 अगस्त की शाम में इसी टाइम लगाया था, उसके बाद मगरिब हो गई थी हमारे को लगाते जब हमने ठोका भी था ना। लेकिन अभी ये कि हमने पूरा डंडा लगा के उसको सिर्फ फिक्स कर दिया है, झंडा लगाने के बाद उसको फोल्ड किया डंडे से फिक्स करके ऐसे लगा दिया, ठीक है जी। मैं ऊपर भी चढ़ा था अभी, खाला के हाथ में मोबाइल था, वो पता नहीं स्टॉप हो गई क्या हो गया, तो वो सीन जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तला भाई रिकॉर्ड हुआ ना मेरा रिकॉर्ड हुआ। हम लोगों ने ऊपर डंडा ऊपर लेके झंडे क्लिप में से उसको अंदर डाला था, वो सीन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पूरा जो ना प्रोग्राम जो ना वो बेकार हो गया साला। कभी कभी जो ना आप कोशिश भी करते ना कुछ चीज़ें बनाने की, तो कभी कभी चीज़ें भी जो है वो साथ नहीं देती हैं, क्या होता है ऑटोमेटिकली जो ना इफेक्ट है कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है। दूर दूर से जो है वो झंडे लगा हुए नज़र आते हैं क्योंकि बारिश वगैरह भी हो रही है, बारिशों की वजह से भी लगाया लोगों ने झंडा, और दूसरे महंगाई की वजह से भी लगाया। हमने तो ये 6 साल पुराना वहाँ झंडा है, हमने तो हर साल लगाते रहते हैं माशाल्लाह। इस दफ़ा ये था कि मैंने कहा प्रॉपर इसको सिलवा लेते हैं, देखो अब सिलाई बिल्कुल प्रॉपर हो गई ना, तो बिल्कुल जो है वो सही लग रहा है। ये देखो अब बिल्कुल प्रॉपर जो है ना, मैं जूम कर लूँ प्रॉपर, आप लोगों को सिलाई बिल्कुल धुंधली सी नज़र आ रही होगी, लेकिन माशाल्लाह पूरा प्रॉपर जो है ना वो सीधी सिलाई आ गई है। मोटू जो है वो अभी थोड़ा सा सहम गए थे, हमारे मोटू बिल्ले छत पे यहाँ पे खड़ा हुआ है बिल्कुल सुन सन्नाटे में, चारों तरफ यूँ देख रहा है कि सब क्या कर रहे हैं, झंडा माशाल्लाह इतना बड़ा ना तो है ना, अब आवाज़ निकल ली तो उसको देख के तो ना डर रहा था, अब ऊपर लग गया ना तो आवाज़ निकल ली। कैसे आवाज़ निकलती है, निकालो निकालो, बोलो कुछ बोलो जल्दी से बोलो, अभी मैं इससे बात नहीं करूँगा ना तो फिर ये मुझसे बोलेंगे। चलो भाई मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब की अजान हो रही है, मोटू को झंडा लग गया है, ठीक है जी झंडा लग गया है मोटू को। अब देखो अब आवाज़ निकली है ना, मोटू को झंडा लग गया है, अब थोड़ी सी चाय वाय भी पियेंगे। आपको चाय बन खाना है मेरे साथ चाय बन खाना है, पहले बताओ चाय बन खाना है। अभी इसने चाय की पिए और अपना केक खाया, सुपर केक जो होता है पूरा। अब मैं बीपी का बन लेके आता हूँ ना तो लाजमी मेरे साथ बीपी का बन भी खाएगा और चाय भी पिएगा, है ना। कैसे मजा आ रहा है मोटू के, हेलो कैसी हैं आप, ठीक है, कैसी है जी, ठीक है जी। अब मोटू और मैं नीचे चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर व्लॉग एंड करेंगे। हेलो कर दो जल्दी से, हेलो चलो भाई चाय पीते हैं। चलो भाई इस व्लॉग को एक तरफ तय, आए हो आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और 14 अगस्त का सबसे बड़ा झंडा लगा दिया पार्ट 3, ठीक है जी। आज जो है पार्ट 3 बनाए हैं, टाइम देख लो 10 बज रहे हैं, व्लॉग जो है ना मैं थोड़ा सा
लेट जो है ना वो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि सीन ये है कि भाई लाइट चली गई थी, लाइट अभी अभी आई है। मैंने कहा जब लाइट आएगी उसके बाद जो है ब्लॉग एंड करेंगे। फिर खाना पीना चाय वाय में लग गए थे, नमाज़ पढ़ी मगर ईशा की दैन छत पर से नीचे आके, लाइट अभी आई है 9:30 बजे। तो मैंने कहा यार अभी ही ब्लॉग को एंड करते हैं, छोटा सा ही बना, ज़्यादा बड़ा नहीं बना, ठीक है जी। और इतना कोई इंटरेस्टिंग भी नहीं है, बस झंडा लगाना था, झंडे का ब्लॉग बनाना था लगा के, तो वो जो है आपको बना के लगा के दिखा दिया, ठीक है जी। आप लोग भी कमेंट करके बताना, कमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा कम ही आते हैं, इक्का दुक्का कमेंट आते हैं, वो भी मेरे ना आसपास अपने लोगों के ही होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताना कि भाई आप लोगों ने भी जो है ना अपने घर पे, छत पे, दरवाज़ों पे, जहाँ भी गेली में झंडा छोटा बड़ा सबसे बड़ा झंडा लगाया है या नहीं, ठीक है जी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फोर्टीन अगस्त मुबारक। देखते हैं अभी आगे फार्म हाउस का भी सीन बन रहा है, तो फार्म हाउस का भी जो ना व्लॉग वगैरह आता है या नहीं, ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।